थाना खनिया थाना पुलिस ने पकड़ी 170 लीटर हाथ भट्टी की कच्ची शराब। शराब बनाने वाली फैक्ट्री के डस्ट कुल कीमती 75,000 रुपए। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में पुलिस दिनांक 11/2/2023 की रात्रि को खनिया थाना पुलिस को मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि आरोपी धर्मेंद्र पुत्र भगवंत सिंह चौहान उम्र 19 वर्षीय निवासी मुसाब मोहल्ला थाना खनिया थाना जिला शिवपुरी अपने सलैया वाले खेत ग्राम खीरिया के हार में अवैध रूप से देशी हाथ भट्टी की फैक्ट्री लगाकर जहरीली शराब का निर्माण कर रहा है। उक्त सूचना पर से खनिया थाना प्रभारी ने दबिस दी तो आरोपी अपने खेत सलैया वाले कुआं पर हाथ भट्टी की फैक्ट्री लगाकर शराब निकाल रहा था। आरोपी के कब्जे से मौके पर 70 लीटर हिदेशी हाथ भट्टी की अवैध शराब बरामद हुई है। वह शराब बनाने का सामान ड्रम व 5 किलो यूरिया खाद आदि बरामद किया गया है तथा 3,000 लीटर शराब बनाने का लहन जो जमीन में गड्ढा खोद कर भरा था जिसे मौके पर नष्ट किया गया। आरोपी के विरुद्ध थाना खनिया थाना में धारा 34(1), 34(b), 49 का आबकारी एक्ट का मामला दर्ज कर आरोपी को पकड़कर जेल भेज दिया गया है। उक्त कार्यवाही में मौके से 2 कैनों में 70 लीटर भट्टी की कच्ची शराब एवं शराब बनाने का लोहे का ड्रम, एल्युमिनियम का डकैचा, 5 किलो यूरिया खाद आदि कुल कीमत 75,000 की शराब बनाने का सामान जब्त किया गया है। इस कार्यवाही में खनिया थाना प्रभारी सुरेश शर्मा व प्रकाश सिंह, कौरव, जयवीर गुर्जर आदि कई लोगों की भूमिका रही। खनिया थाना से संवाददाता शिवकांत सोनी की रिपोर्ट। क्या कार्रवाई की है? कल रात्रि को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि धर्मेंद्र सिंह चौहान जो खनिया थाना का रहने वाला है अपने खिरिया वाले खेत पर हार में अवैध रूप से शराब का निर्माण कर रहा है। उक्त सूचना पर से फोर्स के साथ दबिश दी गई तो आरोपी अवैध रूप से शराब बना रहा था। करीब मौके पर 70 लीटर शराब मिली थी, 3,000 लीटर लहन मिला था, शराब बनाने की पूरी फैक्ट्री मिली थी। आरोपी के विरुद्ध 34(1), 34(2), 49 का कार्रवाई की गई। सर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है? हाँ, आरोपी गिरफ्तार कर लिया है। आज न्यायालय में माननीय न्यायालय में पेश करेंगे।